तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी है जानते हैं कि आज के समय में बोल्ड और हॉट फोटो शूट कराने का एक जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है। लगभग हर एक्ट्रेस बोल्ड और हॉट फोटो शूट कराती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है भारत के उस एक्ट्रेस के बारे में जिसने सबसे पहले बोल्ड फोटो शूट करवाया? अगर आपने इस बारे में नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के खत्म होने से पहले आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, 1950 और 60 के दशक में जब अभी नेत्रिया बोल्ड फोटो शूट तो छोड़ो बोल्ड सीन करने से भी कतराते थे, उस जमाने में एक अभिनेत्री थी जिसका नाम बेगम पारा था। बेगम पारा ने भारत में सबसे पहले बोल्ड फोटो शूट करवाया। इन्होंने यह फोटो शूट लाइफ मैगजीन के लिए करवाया तथा यह फोटो शूट उस समय के फेमस फोटो शूट जेम्स ब्रुक ने किया था। बेगम पारा ने यह फोटो शूट सफेद साड़ी में करवाई थी जिसमें वह सिगरेट पीते हुए थी। जब बेगम पारा का फोटो शूट शूट हो गया तब पूरे भारत के अंदर तहलका सा मच गया, क्योंकि उससे पहले किसी भी महिला ने ऐसे फोटो शूट नहीं करवाया था। बेगम पारा काफी प्रसिद्ध हो गए। उन्हें ग्लैमर गर्ल, बॉम्बे सेल और पिन अप गर्ल के नाम से बुलाया जाने लगा। दोस्तों, अगर हम बेगम पारा के रियल लाइफ के बारे में बात करें जो सिनेमा जगत से बिल्कुल अलग था, तो इनका असली नाम जुबेडा उल हक था। इनका जन्म पंजाब के अंदर हुआ था। इनके पिता चीफ जस्टिस थे। इनकी शादी सुपरस्टार दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान से हुई थी। इनकी सुपरस्टार दिलीप कुमार से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। यह कहती थी, अगर वो दिलीप कुमार है तो मैं बेगम पारा हूँ। इनके पति का 1974 में निधन हो जाता है जिसके बाद यह पाकिस्तान चली जाती है तथा फिर 2 साल बाद वापस आ जाती है। इनकी आखिरी फिल्म सावरिया है जो 2007 में रिलीज हुई थी तथा 2008 में 81 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए अलविदा। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।